फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई अदर ब्लॉग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आप सबके बेस्ट विशेज के साथ हम लोग भी बिल्कुल अच्छे हैं फ्रेंड्स। तो अभी मैं अभी एकदम रेंडम ब्लॉग बना रही हूँ फ्रेंड्स, इसलिए कि मैं गई थी अभी थोड़ा शॉपिंग करने क्योंकि अपकमिंग ट्रिप। हाँ बेटा, हाँ ये दो। तो मैं गई थी अभी शॉपिंग करने, अभी अपकमिंग ट्रिप के लिए। आने वाले ब्लॉग में आपको पता चलेगा हम लोग कहाँ जा रहे हैं। और मैंने बोला था कि कुछ बना के जाते हैं, पर मेरे हस्बैंड आए सुबह सुबह ड्यूटी से और बोले नहीं आज तो लंच मैं बनाऊंगा। मैं बोला चलो आप लंच बनाओ, मैं आयु को स्कूल छोड़ के उधर से ही चली गई थी शॉपिंग करने। कुछ शॉपिंग था मेरा, ज़्यादा अभी नहीं था वैसे शॉपिंग, मैंने ज़्यादा ऑनलाइन ही किया है, पर कुछ कुछ था जो मार्केट से लेना था, तो मैं आयु को स्कूल छोड़ी और गई शॉपिंग करने। आई तो क्या दिख रहा है मुझे वो मैं आपको दिखाती हूँ। जब मैं आई घर, पहले तो आप मिली मेरे पति से, नज़र ना लगे मेरे पति को, पहले तो खुद का ना खुद नज़र उतार देते। ये बना रहे हैं मेरे लिए तंदूरी बटर चिकन। आह जल्दी बना दो यार, देख के भूख लग गई हमको तो। और ये इधर थोड़ा सा एक बैच फ्राई करके रखे हैं और इधर हो रहा है जब तक ग्रिल। इधर ग्रेवी भी रेडी है और इधर क्या है, स्टीम राइस। अभी स्टीम राइस बनाए हो, इसमें स्टीम राइस है। कौन सा राइस है? ओ जीरा वाला चावल भी बन गया आपसे, वेरी गुड। और इधर ये चिकन है, अभी इतना और मेरीनेट होगा। और इधर मेरे लिए सादा आटा और अपने लिए मैदा वाला आटा लगा के रखे हुए हैं। और किचन का हाल है, पानी पिएगा बेटा, ग्लास में दोनों बोतल से क्यों पिला रहे हो ग्लास में तो। और बाबू भी स्कूल से आ गया है, पर किचन का हाल है देखिए फ्रेंड्स, इधर से देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स किचन का हाल है। चलिए किचन का हाल है, जो भी वो साफ भी खुद ही कर देते हैं, मेरे को करना नहीं पड़ता दोबारा। पर आज मिलेगा टेस्टी सा लंच, लेकिन लंच मुझे लग रहा है 3 बजे से पहले नहीं मिलेगा। हाँ क्योंकि 2 घंटा तो ये लगा देंगे किचन में। तो फ्रेंड्स मेरे लिए फ्रूट कट करके रखे थे, मैं 2-3 बाइट खा के और आयु को लेने चली गई थी क्योंकि टाइम हो गया। चलो चलो आज आ जाओ, हम लोग खाते हैं। आ जाओ आ जाओ। क्या खाएगा बेटा? पपाया खाएगा, कीवी खाएगा? तो फ्रेंड्स चलिए मैं जल्दी जल्दी से अपना फ्रूट खा लेती हूँ और उसके बाद मैं दिखाती हूँ। वैसे प्रोसेस तो मैं आपको दिखा नहीं सकती क्योंकि वो आधा हो चुका है। और इसी व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी अपना शॉपिंग जो मैंने करा है थोड़ा बहुत, और अपकमिंग ट्रिप हमारा जो है वो आयु से रिलेटेड है। और आयु स्कूल से आने के बाद दिन भर उसी, ये आयु के दादा दादी जब आए थे तो उन्होंने इसे खरीद के दिया था। और ये इतना अच्छा चीज़ है ना, दिन भर बाबू इसी पे बैठा रहता है, इसी पे खाता और खेलता है। और फ्रेंड्स इसको स्मोकी फ्लेवर देने के लिए, अगर मेरा गैस ख़राब हुआ ना चूल्हा, अगर उसके अंदर गया तो आप सोचना, स्मोकी फ्लेवर देने के लिए फ्रेंड्स बिल्कुल तंदूर जैसा लगे रोस्टेड किया जा रहा है उसको। फ्रेंड वो कैसा लग रहा है मेरे लिए लंच बना कर? आप तो बनाएंगे, फ्रेंड्स यहाँ वर्क इन प्रोग्रेस है और मेरा छुट्टी है, पूरा कंफर्म छुट्टी है। इधर मेरा बेटा झाड़ू लगा रहा है, इधर मेरे पति मेरे लिए खाना बना रहा है। वाह शाम तक खुली हो, कल शाम तक, तो कल रात को मत जाना ड्यूटी, उसको बोल के लगा लेना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स मैं अभी आ गई थी बाहर क्योंकि लेना था दूध धानी घर में। अब मैं भी सोच रही हूँ जब मुझे कुछ अच्छा सरप्राइज़ मिला तो मैं भी कुछ सरप्राइज़ दूँ। तो मैं जा रही हूँ घर, देखती हूँ कस्टर्ड बनाने को कोशिश करूँगी, जल्दी से कस्टर्ड बन जाए तो खाना खाने के बाद मज़ा आएगा खाने में। वैसे मेरे को अभी नहीं लग रहा कि खाएंगे, तो मैं थोड़ी देर बाद भी बना के रख दूँगी आज, लेकिन कस्टर्ड ज़रूर बनाऊँगी फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं घर। तो फ्रेंड्स सुबह से अभी तक इन्होंने ब्रश तक नहीं किया है, मतलब जब से आए ड्यूटी से लगे हुए एसी में, तो ये अब ऐसे रंगत में आ गया। 2 बजे मुझे मिल गया खाना और ये इतना टेस्टी सा बटर चिकन नान रहता और जीरा वाला चावल थोड़ी देर बाद लाएंगे। वाओ वाओ यम्मी यम्मी, बोलो यम्मी। कैसा है बेटा? टेस्टी, बोलो टेस्टी। सो फ्रेंड्स चलिए फटाफट से टेस्ट करते हैं, टेस्ट करके बताते हैं आपको कैसा बना है। वैसे सारा खाना बहुत टेस्टी बनाते हैं मेरे हस्बैंड, बहुत टेस्टी, तो कॉन्फिडेंस है कि अच्छा ही बना होगा।
आर यू ना खा रहा है बेटा? पापा ने बनाया। किसने बनाया? पापा। पापा को फ्रेंक किसी कर दो। अच्छा आ रहे तो कर देना, आ रहे तो कर देना, बैठो खाओ। चावल भी आ गया फ्रेंड्स, चलिए फटाफट टेस्ट करके बताते कैसा बना है। ये आ गया जीरा वाला चावल। किसी दे रहा है पापा को अपने टेस्टी से खाना के लिए। टेस्टी है बेटा। एक और ले आने प्लेट ना। वाह सोना, मजा आ गया देख के, मजा आ गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि आयु को दे दिया था हमने फ़ोन देखने के लिए कि ताकि वो हमें खाना खाने दे और सारा उसका आवाज़ रिकॉर्ड हो गया। पर यहाँ पे मैं कह रही हूँ ये खाना बहुत टेस्टी बना था, बहुत टेस्टी। और चलिए मिलते हैं खाना खाने के बाद, तब तक के लिए बाय। और ये हो गया है नेक्स्ट डे, हम लोग गए शॉप पे फ़ोन लेने के लिए और हमने लिया ओप्पो का फ़ोन, जो कि किसके लिए लिया आपको जल्दी ही पता चल जाएगा फ्रेंड्स। तब तक के लिए बने रहिए और एंजॉय करिए इस ब्लॉग को। हे फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप देख रहे होंगे मैं आ गई हूँ अपने रूम में, जिस रूम में मैं सामान इकट्ठा करके रख रही थी। ये सारे सामान मैंने ऑनलाइन मंगाया है जो कि अपकमिंग ट्रिप के लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगा, मुझे जो गिफ्ट्स करने हैं लोग को वो सारे सामान हैं। तो मैंने सोचा एक बार में दोनों काम हो जाए। ये सारे सामान है जो मैंने शॉपिंग करा है, ये सारा ही सामान ऑनलाइन मंगाया क्योंकि धूप इतना ज़्यादा हो जा रहा था फ्रेंड्स कि बाहर जाने का मन ही नहीं कर रहा था। और इधर मैंने ट्रॉली भी ले लिया है कि साथ साथ में मैं डालती जाऊँगी जो मेरा काम आसान हो जाएगा। सो फ्रेंड्स उस दिन मैंने आपको बोला कि चलो मैं दिखाती हूँ, पर नेक्स्ट डे हो गया। नेक्स्ट डे फिर हम लोग गए फ़ोन लेने और फ़ोन मैंने किसके लिए लिया है वो आने वाले ब्लॉग में आपको पता चल जाएगा कि फ़ोन मैंने किनके लिए लिया है। हाँ ये है कि जिनके लिए भी मैं ली हूँ फ़ोन उनको थोड़ा बहुत तो पता है कि मैंने फ़ोन लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने क्या क्या शॉपिंग किया और मेरा अभी 3-4 पार्सल ऑन द वे है, अभी आने वाला है। तो लेकिन अब टाइम नहीं है, वो लास्ट डेट तक डिलीवर होगा निकलने से एक दिन पहले तक, तो मेरे पास इतना टाइम होगा नहीं कि मैं उसको अच्छे से सूट करके आपको दिखा सकूँ। जैसे जैसे ब्लॉग में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको मैं दिखाती जाऊँगी। तो अभी चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैंने अभी तक क्या क्या शॉपिंग किया है और मैं क्या क्या ऑन द वे, वो भी मैं होगा तो बताऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स करते हैं शॉपिंग हॉल शुरू। तो फ्रेंड्स इसमें पार्सल मिक्स्ड है, जैसे कि मीशो का भी है कुछ, मिंत्रा का भी है कुछ, कुछ आपको फ्लिपकार्ट का भी है और एक अमेजोन का भी है। सॉरी अमेजोन वाला भी आया नहीं, आने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ये है पठानी कुर्ता सेट, देख रहे होंगे ये पठानी कुर्ता सेट है। इसके नीचे ऐसा पजामा भी दिया साथ में। तो ये है मेरी सुंदरी मुंदरी बेटी का। आप सोच रहे होंगे कि ये सुंदरी मुंदरी बेटी के लिए इसने ऐसा क्यों लिया है, क्योंकि उसको लगता है ना कि उसके पास 3-3 भाई हैं, तो उसको लगता है कि मेरे भाई लोग जैसे कुर्ता पहने वैसा मैं भी पहनूं। तो मैंने सोचा चलो एक उसके लिए भी ले लेना चाहिए ऐसा, कि ताकि वो रोए नहीं। और मैं और दिखाती हूँ आपको, उसका मैंने लिया एक ये ड्रेस, ये ड्रेस है और इसके नीचे ये हॉट पैंट। और वो है तो 4 साल की है फ्रेंड्स, पर उसको बिल्कुल आयु के साइज का ही कपड़ा आता है। वो बहुत दुबली पतली बहुत ज्यादा है, वो तो आपने उसे हर ब्लॉग में देखा होगा जिस ब्लॉग में वो दिखी होगी आपको। और एक और लिया मैंने उसके लिए ये रेड कलर का फ्रॉक। और उसके लिए मैंने 3 ड्रेसेस क्यों लिए ये भी मैं बताती हूँ, क्योंकि आयु के इतने सारे शॉपिंग हो क्यों रही है ये भी मैं आपको अभी क्लियर कर देती हूँ। क्योंकि आयु का मुंडन होने वाला है, आयु की कोई बुआ नहीं है, आयु की कोई सिस्टर नहीं है अपनी, आयु की अपनी सिस्टर मीन्स डैड की ऑन सिबलिंग नहीं है, ये आयु की कजन सिस्टर है गुलाबो। तो उसके लिए क्या है ना कि उसके लिए वही है जो है बहन जो भी बोलिए वही है। तो उसके लिए हमने 3 ड्रेसेस इसलिए लिया कि आयु को जो बाल कटेगा वो उसकी बहन ही लेगी। और उसके साथ एक और मैंने लिया है चीज जो मैं आपको बिहार जाके दिखाऊंगी, यहाँ है नहीं तो मैं अभी बताने और दिखाने का मतलब नहीं बनता है वो। ठीक फ्रेंड्स इसके बाद मैं दिखाती हूँ अपना खुद शॉपिंग। वैसे मेरा जो मैं मुंडन के दिन पहनूंगी वो सारा कुछ मैं आयु और
ये मेरे हस्बैंड मतलब जो भी जितना कुछ भी पहनेंगे वो सारा मेरे मायके से आएगा, तो वो तो मेरे पास है ही नहीं जो मैं आपको दिखाऊंगी। पर या मैं ट्रेवल के लिए जो भी ली और थोड़ा बहुत शॉपिंग जो मैंने किया अपने लिए वो मैं आपको दिखाती हूँ। पहले तो मैं दिखाती हूँ आपको ये ब्यूटीफुल सा कुर्ता से, ब्यूटीफुल सा कुर्ता था, ये है ना अभी ऑल्टर होके आया है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एस लेने पे भी फिटिंग कराना पड़ता है फ्रेंड्स मुझे तो इस टाइप का ये कुर्ता है और इसके नीचे का ये बॉटम है और इसके साथ इसका दुपट्टा फ्रेंड्स बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा दुपट्टा, लेंथ बहुत है दुपट्टे में। इसके साथ ये दुपट्टा है, एक तो मैंने ये लिया कि वहां चेंज करने के बाद क्योंकि वहां बेसिकली मैं वहां साड़ी पहनूंगी तो साड़ी में तो पूरे दिन उसका दिन भर, और ये मैंने एक ऐसी मुझे बहुत दिन से पसंद था तो मैंने एक ऐसा प्लेन बेसिक सा कुर्ती लिया है और साथ साथ मैं इसमें डालती जा रही ताकि मुझे ज्यादा प्रॉब्लम ना हो उस टाइम। साथ ही फ्रेंड्स मैंने एक ना मेरे पास एक कुर्ता पड़ा हुआ था मतलब सूट का सेट पड़ा हुआ था उसको भी मैंने स्टिच करा लिया कि ताकि पहनना पड़े, इसमें अभी प्रेस होना बाकी है, अभी मैं प्रेस करूंगी। इस तरह का है, बहुत कलर इसका डल टाइप का है पर देखने में बहुत सुंदर है, डल टाइप कलर तो बहुत सुंदर है पर मेरे यहाँ अलाउड नहीं करते हैं लोग कि इस तरह के कलर का कपड़ा। और इसके साथ मैंने बॉटम में पैंट बनवाया है, इस दोनों को मैं भी मैं प्रेस करने के लिए भेजूंगी। और मेरा तो बस नहीं, मेरा एक और है फ्रेंड्स, और एक मैंने इस तरह का सिंपल सा कुर्ता लिया है और इसका क्या किया मैंने इधर से चाक ऊपर करवा दिया ताकि मैं जींस पे अच्छे से पहन सकूं, ये अच्छा भी लगता है बिल्कुल, जींस पे चाक थोड़ा ऊपर है तो अच्छा लगता है। ये इस तरह का कुर्ता सेट है, तो मेरी शॉपिंग तो यहीं पे होगी खत्म और ज्यादा कुछ करना था। और हाँ मैंने मंगाया है फ्लिपकार्ट से अपने लिए ब्लूटूथ, क्यों मंगाया है ये अभी उतना जरूरत नहीं था इस चीज का मुझे, पर अर्जेंट था, जरूरत नहीं था, अर्जेंट था मुझे बस एक दो दिन के लिए ताकि मैं जब आउटडोर शूट करती हूँ तो मेरा वॉइस ना आ पाता, अच्छे से नहीं आ पाता है, तो मेरा भी आइडिया नहीं था, ये मेरे हस्बैंड ने बोला कि मंगा लो जब आउटडोर शूट करोगी तो अलग से माइक वाइक लगाने के, इसमें क्या है ना आवाज़ बहुत क्लियर आ जाता है, तो मैंने सोचा चलो एक रहना चाहिए क्योंकि मुझे ना ईयर पॉड ही अच्छा लगता है, वो निकालो फटाक से कनेक्ट, वैसे इसमें भी एक बटन दबाओ कनेक्ट तो हो ही जाता है बट मुझे थोड़ा सा उलझन लगता है इस तरह का, और वायर वाला तो मैं पसंद ही नहीं करती, मुझे कभी नहीं अच्छा लगता वायर वाला। तो मैंने अपने लिए मंगाया है बोट का 255 प्रो प्लस, बहुत अच्छा है, एक बार चार्ज किया मैंने 7 दिन से चल रहा है, अभी मैं दोबारा चार्ज भी नहीं किया, अब करना पड़ेगा। और अब मैं दिखाऊं आपको मेरे बड़े वाले बेटे का कपड़ा, तो मैंने ना इस बार लड़कों के लिए, सारे लड़कों के लिए पठानी ऑर्डर किया था और सबका मैंने पठानी ही मंगाया है, तो मेरे बड़े वाले बेटा के लिए मैंने मंगाया है ब्लू कलर का पठानी, ये भी मस्त है, बस मंगा तो लिया है बस सबको साइज आ जाए, वैसे साइज तो आ जाना चाहिए पर मेरे यहाँ एक बेनिफिट है ना, अगर एक साइज ऊपर नीचे होता है तो उसके पीछे बहुत बच्चे तैयार है पहनने के लिए, अगर ये तो आई बंसू को हट जाएगा, बंस नाम उसको, बंसू को इसको ये तो बिल्कुल फिट हो जाएगा, पर क्या है ना वो जो छोटा और गुलाबो है तो ये सब ना मतलब मिक्स है, थोड़े बहुत ऊपर नीचे दिन में वो लोग पहन सकता है एक दूसरे का कपड़ा, और ये मैंने मंगाया है अपने छोटे वाले बेटे के लिए। अब इसका स्टोरी सुनो फ्रेंड्स, मैंने एक कलर का ही सबका मंगाया था ब्लू कलर का, पर क्या हुआ ना जब आया तो इसका कलर चेंज होके आया था, और ये कलर आने के बाद मुझे इतना प्रीटी लगा ये मैंने रिटर्न नहीं डाला, और इसमें वाइट बॉटम इसका, वाइट पैजामा इसका, तो मैंने इसका ना रिटर्न नहीं डाला इसलिए कि छोड़ो यार अब जब कलर ही अच्छा आ गया तो क्या रिटर्न करके, और ना ये कलर बहुत प्रीटी लगा मुझे तो मैंने सोचा रहने दो इसको थोड़ा अलग भी चलेगा। और ये मंगाया है मैंने अपने भैया के लिए मतलब अपने भाई के लिए मैंने मंगाया है, ये भी ब्लू कलर का पठानी है, पठानी का कॉन्सेप्ट तो आप समझ ही गए होंगे, नीचे ऊपर बॉटम भी पैजामा मतलब सलवार टाइप का होता है, और ये बस आ जाए सबको फिटिंग, वैसे मेरे भाई को तो कोई भी कपड़ा फिटिंग नहीं आता, उसको थोड़ा ऑल्टर कराना ही पड़ता है, चलो वहाँ जाके मैं देखूंगी, टाइम तो रहेगा ही मेरे पास काफ़ी टाइम,
नहीं रहेगा। और अब मैं इसको पैकेट से भी निकाल के बता देती हूँ ताकि पैकिंग करने में भी सुविधा हो जाए थोड़ा। लेकिन इसका पन्नी मुझे नहीं फेंकना है इसलिए, क्योंकि इसका ना वैलिडिटी आपको 25 तक है, मतलब रिटर्न का। अगर भैया को मेरे ज़्यादा ढीला होगा और साइड पॉकेट भी अगर फिटिंग होने का ऑप्शन नहीं होगा तो मैं क्या करूँगी, इसे वहीं से रिटर्न डाल दूंगी। और नेक्स्ट डे में बहुत क्विक सा बस जाना है और आने वाले ट्रिप है तो मैं आके भी इसको रिटर्न डाल दूंगी तो ये चेंज हो जाएगा। और चलिए फ्रेंड्स, अब इत्मीनान से आपको मैं दिखाती हूँ आयु का शॉपिंग, क्योंकि आयु अब स्कूल भी जाने लग गया है तो बहुत सारा कपड़ा आयु का ना खराब हो जाता है। मतलब एक दिन गया फिर दूसरे दिन भी चाहिए होता है, और गर्मी भी आ गया तो गर्मी, जब गर्मी शुरू होता है तब, जब ठंडा शुरू होता है तो छोटे बच्चे का शॉपिंग करना ही पड़ता है, क्योंकि कभी हेल्थ बढ़ जाता है बच्चे का, हाइट बढ़ जाता है। आयु का तो हेल्थ बढ़ता ही नहीं है, हाइट आयु का बढ़ जाता है, उसकी वजह से क्या करना पड़ता है हम लोग को, हर साल आयु का नया कपड़ा लेना ही पड़ता है ठंड शुरू होने से पहले और गर्मी शुरू होने से पहले। लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा भी नहीं लिया इसलिए, क्योंकि अभी आयु का मुंडन है तो सब लोग कपड़े देंगे उसे, तो फिर उसके पास ऐसे भी कपड़ा हो जाएगा। और तो मैंने बहुत कम लिया, इतना लिया है मैंने कि मैं जाऊँ यहाँ से तो पहना के ले जाऊँ, फिर ट्रेन में भी थोड़ा कंफर्टेबल कपड़ा चाहिए था, और बच्चे का कपड़ा सबसे ज़्यादा डल हो जाता है, तुरंत डल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आयु का सबसे पहले मैंने लिया इस तरह का एक टी शर्ट है, ये टी शर्ट है, और इसमें ये कॉटन का बॉटम है। बिल्कुल मैं ना सिंपल डेली वेयर टाइप का कपड़ा ली हूँ कि आयु बिल्कुल कंफर्टेबल, और वैसे भी बहुत गर्मी है फ्रेंड्स, गर्मी नेक्स्ट लेवल है। एक सेट, फिर मैंने आयु का इस तरह का एक शर्ट लिया है बिल्कुल, क्योंकि इसके पास ना शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा है तो किसी भी शॉर्ट्स पे पहन सकता है। और मैं ना पहनाने से पहले ऐसा वाला टैग निकाल देती हूँ ताकि उसको चुभे नहीं। ये एक मैंने शर्ट लिया है ब्लैक कलर का, और फ्रेंड्स इस तरह का मैंने लिया है एक शर्ट, ये अंदर में इस तरह का है हाफ स्लीव का, और ऊपर से ऐसे कॉटन बिल्कुल प्योर, और कपड़ा सारा ही होजियरी और कॉटन का ही है। तो एक मैंने इस तरह का लिया है, अब देखिए कैसे कैसे पहनता है वो, तो जैसा जैसे पहनेगा जिस दिन जो मन करेगा वो पहन लेगा। और फिर मैंने लिया है एक इस तरह का, ये बिल्कुल आगे से स्लीवलेस है और बॉटम के साथ है ये, तो ये नहा हुआ के घर में पहनने के लिए, या ट्रेन में भी आप पहना सकते हो, या कि बहुत गर्मी लग रहा है ट्रेन में तो बच्चा है यार, कंफर्टेबल रखना चाहिए उसको, उसके लिए क्या ही देखना। मैं टैग भी निकाल देती हूँ साथ साथ का, एक ये लिया, और इसी का सेट सेम मैंने लिया है एक ये, इसका भी टैग निकाल देती हूँ मैं, तो एक ये लिया मैंने, ये दो हो गया, इसको एज इट इज मैं ऐसे ही डाल दूंगी। और ये कपड़ा मैंने अपने पापा की तरफ से लिया है, पापा को मैंने बोला कि आप मत लेना, क्योंकि क्या होता है ना छोटा बड़ा हो जाए साइज का, और मुंडन के बाद जो बाबू चेंज करके पहनेगा वो ये कपड़ा है, जो कि मेरे पापा के तरफ से पापा ने लिया। और पापा ने कुछ के लिए कुछ ऑर्नामेंट्स भी लिया, वो मैं वहाँ जाके दिखाऊंगी आपको। और ये लिया मैंने अपने पापा की तरफ से, इसका पेमेंट मुझे मिल चुका है फ्रेंड्स, नहीं कुछ लग सोचेंगे ना इसलिए मैं बता दूँ। और ये लिया मैंने, और एक तो ऐसे ही बिल्कुल जब निकल रही थी शॉप से तो मुझे दिख गया ये, तो मैंने चलो कहा ये भी ले लेती हूँ, किसी भी बॉटम पे पहन लेगा। और बच्चे का क्या है ना कि खाते और गिरा देते हैं, और किसी किसी चीज़ का स्ट्रेन इतना पक्का होता है कि वो छूटता ही नहीं है, फिर वो कपड़ा कोई किसी काम का होता नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, हो गया शॉपिंग कंप्लीट, इतना ही सारा शॉपिंग था। अभी मेरा ना 4-5 पार्सल है जो ऑन द वे जो आना है, और लेकिन चलिए आगे जैसे जैसे शॉपिंग होती जाएगा मैं आपको दिखाती चलूंगी। तब तक के लिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, आई होप कि मेरा ये व्लॉग आपको अच्छा लगेगा, अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ। और ये बास्केट हो गया मेरा खाली, जिसको मैं जा रही हूँ अभी रख देती हूँ, फिर धीरे धीरे पार्सल बढ़ ही जाएगा फ्रेंड्स। और इस ब्लॉग में आपने देखा होगा कि आयु के पापा ने मुझे कैसे पैम्पर किया, अच्छा लगता है जब आपको कोई ऐसे पैम्पर करता है। बहुत सारी लेडीज़ को लगता होगा कि हाय मायके जाती गरम गरम खाना खाती, पर मेरे साथ ऐसा नहीं, मेरे को यहाँ भी मम्मी का याद आता तो है मम्मी का, पर कम आता है क्योंकि आयु के पापा मुझे ऐसा ट्रीट कर देते हैं कि मुझे टेंशन नहीं होता है, मम्मी का याद नहीं आता। पर कभी, और बात यह भी है कि मेरे
जहाँ पे मैं रह रही हूँ वहाँ पे बगल में मेरी नानी का घर है, जहाँ पे मेरी दोनों मामी बहुत अच्छी हैं, वो दोनों भी मेरे अच्छे से ख्याल रखती है। तो मुझे कभी ना ऐसा नहीं लगता मम्मी के पास जाना चाहिए या, और आज तक शादी का मेरे 4 साल होने जा रहे हैं, मैं आज तक कभी भी ये सोच के मायका नहीं गई हूँ कि मेरा मन नहीं लग रहा मैं मम्मी के पास जाऊँगी। आज तक मैं मायका अपने काम से ही गई हूँ, क्योंकि मेरा यूनिवर्सिटी मेरे को बहुत पागल करके कदम दिमाग मेरा खराब कर दिया यूनिवर्सिटी, ये ग्रेजुएशन करने में मेरा हालत खराब कर दिया। फाइनली मेरा रिजल्ट आया, जिस रिजल्ट में मेरा प्रैक्टिकल एब्सेंट कर दिया गया था, जिसके वजह से मुझे बहुत बार आना जाना पर फाइनली वो रिजल्ट आज ही कल में कंप्लीट होके आ जाएगा मेरे पास। तो फिर मैं इसके बाद के व्लॉग में दिखाऊंगी कि मेरा परसेंटेज क्या आया फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।